हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी ने अपने अपनी नीट के आंसर की मिलाई होगी। आपको अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स पता चल गए होंगे, तो उस मार्क्स के बाद हर किसी ने अपना अपना ड्रीम कॉलेज चूज़ कर लिया होगा कि मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही ड्रीम कॉलेज की, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, जो मोर देन 90% ऑफ द नीट एस्पिरेंट की पहली चॉइस रहती है कि उनको कहाँ जाना है, MAMC दिल्ली। बात करें मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की, तो इसका नाम ही है, सबको मालूम है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, पॉपुलर नेम MAMC दिल्ली। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन ये है पंडित BD शर्मा PGMIS रोहतक पे लोकेटेड है। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1958 में इस कॉलेज को शुरू किया गया था। गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई प्राइवेट बॉडी इसको रन नहीं करती है, और ये एक एफिलेटेड कॉलेज है MCI से। इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज में से एक ये कॉलेज आता है, और इसका जो एफिलेशन है वो अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हो चुका है। आगे बात करें कि ये कौन कौन से कोर्स ऑफर्ड करता है, तो इसमें सबसे अच्छी बात है जो बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं, ये MBBS के साथ साथ MD, MS, PG, डिप्लोमा सारे कोर्स ऑफर्ड करता है। MBBS के बाद आपको MD करनी है तो आप इसी कॉलेज से कर सकते हैं, MS इसी कॉलेज से, PG डिप्लोमा इसी कॉलेज से। हाँ, कुछ ही सीटें जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं, बाकी सीटें जो होती हैं आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के से मिलती हैं। तो अगर आप MAMC में ही पढ़ते हो और MAMC से आपको MDMS करना है, तो आपको उस कॉलेज के अंदर भी टॉप पे रहना होगा। बात करें हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ बिल्कुल प्रेजेंट है, और कॉलेज की रेटिंग की बात करें तो 4.7, और रैंक की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक कॉलेज की फर्स्ट है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें, कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है www.mamc.ac.in। अब बात करते हैं कॉलेज के अंदर फैसिलिटीज़ क्या है, ये तो कॉलेज की ब्रीफ हिस्ट्री हो गई है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप पूछें हमसे कि सर कॉलेज के अंदर कौन कौन सी, कॉलेज के अंदर सर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड की जाएंगी, चलिए वो आपको मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। फैसिलिटीज़ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है वो इस कॉलेज में आपको मिलेंगी। लाइब्रेरी, सबसे अच्छा जो आपको खुशी देगा, स्विमिंग पूल, ये तो आपके लिए चांचारी लगा देगा कि स्विमिंग पूल इस कॉलेज में आपके लिए प्रेजेंट है। स्पोर्ट्स, कैफेटेरिया, देन इंटरनेट फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, कॉन्फ्रेंस हॉल, कैंटीन, हॉस्टल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड हॉस्पिटल। देखिए, अब मेडिकल कॉलेज में सबसे बड़ी बात होती है कि उसको टॉप पे कौन बनाए, एक तो उसकी एजुकेशनल प्रोफेसर, दूसरा हॉस्पिटल। तो MAMC दिल्ली, आपको पता है कि दिल्ली है, और MAMC दिल्ली का जो हॉस्पिटल वो काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। देन प्लेग्राउंड आपके लिए वहाँ पे प्रेजेंट है, डेंटल हॉस्पिटल एंड बैंक, तो क्या प्रेजेंट नहीं है। अब एक 5-स्टार होटल जैसा ही तो सारा कुछ, सब कुछ आपके लिए प्रेजेंट है। इसीलिए ये कॉलेज हर, मैंने बताया कि 90% स्टूडेंट्स की ये चॉइस रहता है। आगे और बात करें इस कॉलेज के बारे में, मैंने जैसे बताया कि ये कॉलेज कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है, MBBS के अलावा MD, MS, PG, डिप्लोमा, उसमें कौन कौन से के लिए कितनी कितनी सीटें रिजर्व हैं। देखिए, MBBS की सीटों की बात करें तो MBBS की 250 सीटें इसमें प्रेजेंट हैं करंट डे में। बात करें तो 4.6 ईयर की MBBS और 1 ईयर की इंटर्नशिप कॉलेज से ही करवाई जाती है। कई कई कॉलेज होते हैं जिनमें इंटर्नशिप अलग से आपको करनी पड़ती है। PG कोर्सेज की बात करें तो PG कोर्सेज जो है वो इनटेक हैं बच्चों के लिए, पूरे उन्हीं के बच्चों के लिए रिजर्व ने। देखिए, यहाँ पे आपको लिखा जा चुका है कि PG कोर्सेस आपको इसी कॉलेज में अंदर करवाए जाएंगे। इन्हीं कॉलेज के जो 250 बच्चे हैं, उन 250 बच्चों के लिए जो कॉलेज के जो 250 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए PG की सीटें रिजर्व हैं। बात करें कि अगर आप PG के बाद यहाँ पे MD करना चाहते हैं तो MD की 153 सीटें यहाँ पे हैं जो कि रिजर्व नहीं है। 153 सीटें आपके एग्जामिनेशन से आपको मिलेंगी, 3 ईयर का ये होता है। MCH की भी करवाई जाती है, 4 ईयर, 3 ईयर का है, 4 सीट केवल इसकी हैं। डिप्लोमा की बात करें तो ये, अब एडमिशन क्राइटेरिया आप सबको मालूम ही होगा कि इसमें एडमिशन कैसे करवाया जाता है। तो UG कोर्सेज़ के लिए जो एडमिशन है वो नीट UG से, PG कोर्सेज़ के लिए नीट PG से इसमें एडमिशन करवाया जाता है। तो ये था कि आपके जो ड्रीम कॉलेज है 90% ऑफ द स्टूडेंट्स का, उस कॉलेज के बारे में। अब बात करते हैं इस कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो MBBS की इसकी जो पर ईयर की फ़ीस है वो 2610 जो है वो आपकी केवल MBBS की फ़ीस है। हॉस्टल फ़ीस आपकी मिला के ये पहुँचती है 13 to 14
बस। अब भाई 2,000 रुपये में MBBS भी आप कर रहे हैं और 13,000 रुपये में आपको 5-स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज़ मिल रही, तो ड्रीम कॉलेज तो रहेगा ही। तो 2,610 इसकी MBBS की फ़ीस है, और पूरी विथ हॉस्टल फ़ीस की बात करें तो 13,000 to 14,000 फ़ीस जो होती है वो आपकी पहुँचती है। MDMS की फ़ीस की बात करें तो 5,000, डिप्लोमा की 5,000। अब इसके लिए कॉलेज के लिए बात करते हैं कि नीट का कट ऑफ क्या रहता है। नीट का 2019 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो परसेंटाइल के बेसिस पे अनरिजर्व कैटेगरी को 50% रिजर्व, OBC SC 40% तो ये था आपके कॉलेज का MAMC ड्रीम कॉलेज का पूरा बायोडाटा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना।